हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स, या आरपीएससी अपने बात करें, बेसिकली अपने थोड़ी अलग वीडियो होगी ये। हाँ, इसमें अपने डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड रुको। हाँ, जो आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स का या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आई थिंक ये विजिबल है ना सभी को? एक सेकेंड रुको। हाँ, ये विजिबल है ना? आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था पीजीटी फिजिक्स का, जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके कंप्लीट जो पेपर हुआ था, फिजिक्स का जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये राजस्थान का एग्जाम होता है फर्स्ट ग्रेड का, स्कूल लेक्चरर का, ठीक है, कंप्लीट राजस्थान में होता है। और ये 2022 में जो एग्जाम हुआ था, इसका जो फिजिक्स का पेपर था, ठीक है, इसकी फिजिक्स अच्छी खासी आती है, फिजिक्स का जो पेपर था उसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो अपने डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें फिजिक्स के टोटल हम बात करें तो जैसे मेंशन है सिलेबस में, फिजिक्स के हम बात करें टोटल 120 क्वेश्चन मेंशन है। टोटल मतलब जो सेकंड पेपर होता है, सब्जेक्ट पेपर, उसमें लगभग हम कह सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स का। लेकिन इसमें से ये मेंशन तो ये है कि 120 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चन जो तुम्हारी साइकोलॉजी या पेडागोजी है उसके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, 120 से ऊपर क्वेश्चन फिजिक्स के थे, ठीक है। उनका कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे सेकंड पेपर में। साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ में, सॉल्यूशन के साथ साथ में, मैं ये भी बताता जाऊंगा कि देखो, जो पेपर है उसका पैटर्न कैसा है, कैसा बनाया गया है और पेपर, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस टाइप से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें कैसे नोट्स पढ़ने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसका सिलेबस 11th 12th का सिलेबस है, बीएससी का सिलेबस है, एमएससी का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस है। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना पड़ेगा कि किस टाइप से हमें तैयारी करनी चाहिए अपनी, ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और किस टाइप के क्वेश्चंस ही हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें अपने साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो तीन पार्ट में होगी ये वीडियो। पहली पार्ट में फर्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पार्ट फर्स्ट, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। फिर उससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 क्वेश्चन में कुछ साइकोलॉजी के या पैडागोजी के जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके भी क्वेश्चन होंगे, वो अपने यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इनको 50 क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल तुम देख लेना, और आगे जब प्रिपरेशन होगी ना वो इसी टाइप से ही होगी। यदि जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो अपनी प्रिपरेशन भी इसी टाइप से करनी है। कंप्लीट 50 क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम डिफरेंस डी बिटवीन दी टू आर्म्स ऑफ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर दैट सीक्स टू मेजर टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ यूजिंग ए सोर्स फॉर विच द कोहेरेंस लेंथ एल सी। हमें यहाँ पे जो मिनिमम डिफरेंस डी गिवन है बिटवीन टू आर्म्स ऑफ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर तुमने सेटअप समझा भी होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कुछ इस टाइप का हमारे पास में ये सेटअप होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ये बीम स्प्लिटर होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक फर्स्ट मिरर होता है M1, ये हमारे पास में एक सेकंड मिरर होता है M2, ठीक है। और यहाँ पे हमें टेलीस्कोप से, यहाँ पे हम अपने इंटरफेरेंस जो पैटर्न है उसको नोट करते हैं। ये हमारे पास में लाइट सोर्स होता है, यहाँ से लाइट आ रही होती है। तो जो लाइट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक इस साइड में जाती है, एक इस साइड में, और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो ये जो M2 मिरर है ये ऐसे प्रतीत होता है कि इसके ऊपर है जस्ट M2 मिरर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट कवर होता है। अपने जब माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं तो कोहेरेंस लेंथ और इसका रिलेशन भी कंप्लीट शॉर्ट नोट्स में लिखवाया जाता है, कंप्लीट उसमें ही कवर हो जाता है। तो इसमें सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं था। तो इसमें जो हमारे पास में आंसर होगा, जो कोहेरेंस लेंथ होती है वो जस्ट इसकी जो मिनिमम जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, उसके 2 टाइम होती है, ठीक है हमारे पास में।
तो जो डी होगा हमारे पास में वो होगा एल सी बाय टू। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था, डायरेक्ट ये याद रखना था तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, हिंदी में भी गिवन है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी, जो स्लिट सेपरेशन है वो डी है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एंड द स्क्रीन एज एट कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट, डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, जो कैपिटल डी है उसकी वैल्यू वो ज़्यादा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ ऑन द स्क्रीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ ऑन द स्क्रीन, इस ये हमें यहाँ पे बताना है। देखो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सभी को पता है ये दो स्लिट होगी, ये डी डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये स्क्रीन है हमारे पास में, यहाँ पे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलता है इस टाइप से, और दो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर यूनिट विड्थ ऑन द स्क्रीन पूछ रहा है, तो हमें फ्रिंज विड्थ हमें पता है, एक फ्रिंज की विड्थ पता है हमें, तो फ्रिंज विड्थ कितनी है हमारे पास में, फ्रिंज विड्थ हमारे पास में है लैम्डा, इसमें कंफ्यूज मत होना, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हमारे पास में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, जो याद रखना होता है उसको प्रूफ भी कर सकते हो, बट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यदि याद है इसको सॉल्व कर सकते हो, पर ये पूछ रहा है पर यूनिट लेंथ में कितनी ब्राइट फ्रिंज है, और एक ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ वो इतनी है, तो इसको वन से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्रिंज आ जाएगा वन बाय लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ऊपर आ जाएगा तो डी बाय लैम्डा डी, डी बाय लैम्डा डी, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास में थर्ड आंसर करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मसल्स ऑफ ए नॉर्मल आई आर लीस्ट स्ट्रेंड व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो आईज की जो मसल्स है वो कब लीस्ट स्ट्रेंड होगी, मतलब एकदम रिलैक्स रहेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या आई से दूर हो, या 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई हो, या 1 मीटर फ्रॉम द आई हो, एट अबाउट 1 मीटर फ्रॉम द आई, जो लीस्ट ट्रेंड होगी आईज वो होगी फार अवे फ्रॉम द आईज, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फार अवे फ्रॉम द आईज, ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, एन आइडियल ओपैम शुड हैव, एक आइडियल ओपैम है उसमें क्या होना चाहिए, क्या जीरो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस होना चाहिए, क्या आउटपुट और इनपुट इम्पीडेंस का मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जो भी मिलके बना हुआ है, जो इम्पीडेंस की अपनी नेट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, तो जीरो तो नहीं होना चाहिए, इन्फेनाइट इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, क्या दोनों इन्फेनाइट होने चाहिए, दोनों इन्फेनाइट भी नहीं होने चाहिए, इन्फेनाइट इनपुट इम्पीडेंस एंड जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा ऑप्शन हमारे पास में, ठीक है, इन्फेनाइट इनपुट इम्पीडेंस, ये इसकी प्रॉपर्टी में अपने कंप्लीट कवर करते हैं, ओपैम की जब करेक्टरिस्टिक्स लिखवाई जाती है, ठीक है, मैंने कंप्लीट नेट के सिलेबस में भी अपने ये करते हैं, वैसे बीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है ये, 11th 12th में ना ओपैम नहीं होता, तो बीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है, इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस एंड जीरो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, ये तुम्हें याद रखना, और ओपैम अपने कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, ओपैम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये कंप्लीट डिटेल में अपने नेट में भी पढ़ते हैं, और नेट के अलावा चाहे अपने बीएससी लेवल के कोई भी एग्जाम दें, आईआईटी जैम वगैरह उनमें भी अपने ये कवर करते हैं, तो ये बीएससी लेवल का टॉपिक है, तो ये टॉपिक तुम्हें कंप्लीट पढ़ना है। अब बहुत देखो लेवल देख सकते हो क्वेश्चन का, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि तुमसे बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है या थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्या करना है जस्ट तुम्हें, जस्ट कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है, याद रखना है, हर एक टॉपिक तुम्हारा कवर होना चाहिए, और लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, मतलब तैयारी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन ट्राई नहीं करने, लिमिटेड टाइम में अपने को क्या करना है, बस जो सिलेबस है उसको पूरा गो थ्रू करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को अपने कंप्लीट करना है, उसके शॉर्ट नोट्स हमारे पास में होने चाहिए,
उसकी 3 से 4 बार रिवीजन होनी चाहिए, और उसके हर एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं, बस इतना काम करना। हर एक चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, बस इतना काम करना। इतने काम में तुम्हारा एग्जाम है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, जैसे इसमें पैडागोजी आएगी उसको भी टाइम देना है, और उसके अलावा तुम्हारा जो फर्स्ट पेपर होगा आरपीएससी का उसको भी तुम्हें टाइम देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5th। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ 2 वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट इज 1 यूनिट। ये कह रहा है दो रिजल्टेंट, दो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वैक्टर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, और इनका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और रिजल्टेंट 1 यूनिट कब आएगा, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और उसकी जो यूनिट होगी वो 1 यूनिट होगी, क्योंकि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है, तो ए क्रॉस बी की बात करें तो 0 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों पैरेलल है, साइन 0 0 हो जाएगा, तो क्रॉस वेक्टर इनका, क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 होगा, ठीक है। और यदि डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा क्या है 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में ये वेक्टर का सिंपल 11 12th का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th नंबर। इफ आर डिनोट द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक हमारे पास में एक स्फीयर है जिसमें आर उसकी रेडियस, और ये हार्ड स्फीयर है, फॉर हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, फॉर हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमें बताना है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, एक तो हमारे पास में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा होता है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। अब डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हार्ड स्फेयर के लिए। टोटल क्रॉस सेक्शन हमारे पास में सिग्मा होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इंटू सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हमारे पास में साइन थीटा डी थीटा डी फाई होगा, ये सॉलिड एंगल है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है, और टोटल क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारे पास में क्लासिकल मैकेनिक्स में अलग होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में अलग होता है। यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स वाला अपना केस है वो कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा आएगा पाई आर स्क्वायर सिग्मा टोटल, और डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इंटू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यदि क्वांटम बोलता क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग है तो हमारे पास में वो क्या हो जाता आर स्क्वायर हो जाता, पर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एक सेकेंड रुको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, पैडागोजी का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये नहीं करेंगे अपने, ये अलग से तुम्हें पढ़ना होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, देख लेना वहां पे तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सिलेंड्रिकल कंडक्टर ए एंड बी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 2 सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ए एंड बी, सिलेंड्रिकल है, ये ए है हमारे पास में, ये बी है, ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, एंड हैव सेम लेंथ, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल, कंडक्टर ए इज ए सॉलिड ऑफ डायमीटर 1 मीटर, जो कंडक्टर ए है वो सॉलिड है और इसका डायमीटर 1 मीटर है, ठीक है। एंड बी इज होलो, डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस 0.5 होगी, क्योंकि डायमीटर गेव, कंडक्टर बी इज होलो ट्यूब ऑफ इनर डायमीटर 1 एंड आउटर डायमीटर 2, इनर डायमीटर ये होलो है हमारे पास में, इनर डायमीटर 1 है मतलब रेडियस 0.5, एंड आउटर डायमीटर 2 है मतलब रेडियस 1, ठीक है। दी रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, आर ए अपॉन आर बी, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास में, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ रो एल बाय ए, ठीक है, इससे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस होगा हमारे पास में रो एल अपॉन ए, इसका यूज करके अपने इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है दोनों मटेरियल की, कंडक्टर ए एंड बी सेम मटेरियल के हैं, रेजिस्टिविटी सेम है, ए की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है। इसके लिए ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर, इसके लिए ए की वैल्यू पाई पाई, इसके लिए जो एक एरिया की वैल्यू होगी वो होगी पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, दोनों का रेशियो ले लेना, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 3, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये भी नहीं करना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10th देखो, ए फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री इज ऑब्जर्व व्हेन ए बीम ऑफ पार्टिकल ऑफ एनर्जी, एक फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री ऑब्जर्व होती है जब बीम की एनर्जी कितनी है 0. देखो इसको लिख लो, जब एनर्जी 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फेज शिफ्ट कितना है 30 डिग्री स्कैटर्ड बाय टारगेट। व्हेन द बीम एनर्जी चेंज्ड द ऑब्जर्व फेज शिफ्ट, जब एनर्जी को चेंज कर दिया जाता है, एनर्जी चेंज करके मान लो ई नॉट हो जाती है, हमें नहीं पता, तब फेज शिफ्ट कितनी हो जाती है 60 डिग्री हो जाती है। एज्यूमिंग दैट ओनली एस वेव स्कैटरिंग इज रिलेवेंट, ओनली एस वेव स्कैटरिंग रेलेवेंट है, मतलब एल की वैल्यू जीरो है, एल की वैल्यू जीरो हमारे पास में, एंड दैट क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज विद एनर्जी, और उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी की वैल्यू बतानी। तो सिग्मा हमारे पास में एल इक्वल टू जीरो के लिए सिग्मा क्या होगा, 4π/k² साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट क्या है फेज शिफ्ट है, डेल्टा लिख सकते हो, के अंदर एनर्जी टर्म है, के क्या होता है, के स्क्वायर क्या होता है 2me/h² तो यहां से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सिग्मा सेम है तो साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा वन लिख लो इसको, डेल्टा वन लिख लो इसको, डेल्टा टू लिख लो इसको, ई वन लिख लो इसको, ई टू लिख लो। ठीक है, साइन स्क्वायर डेल्टा वन अपॉन के स्क्वायर की जगह ई वन आ जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा टू अपॉन ई टू आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू पुट करोगे, ई वन की वैल्यू पुट करोगे, ई टू की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में जो आंसर आ जाएगा 0.45। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रोड्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो जस्ट फॉर्मूला याद रखना था तुम्हें, दो रोड है आइडेंटिकल डायमेंशन की। देखो ये सारे फॉर्मूले, देखो कुछ भी नहीं है इस पेपर में, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो एक लाइन का जस्ट वैल्यूज, यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज, तो उसके बाद में तुम्हारे जो आंसर है वो निकल के आ जाएंगे इजिली, कोई दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं है। हाँ, लेंथी पेपर है, लेंथी है, प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है, रिवीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखो इस पेपर को ऑब्जर्व करो चीज़ों को, और थ्रू आउट यही पेपर है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ऐसा है, कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है, थ्रू आउट ऐसा ही है सेम। ठीक है, जस्ट क्या करना है, जस्ट तुम्हें क्या करना है, एक ही चीज करनी है, रिवीजन, रिवीजन पे फोकस करना और कंप्लीट सिलेबस करना है, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, और फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, फॉर्मूला बेस्ड बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम को ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी कहीं भी। ठीक है, और स्टैंडर्ड तुम्हारे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो बनाओगे, यदि तुम कोचिंग वगैरह ले रहे हो, अपना भी आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स का जो बैच है वो आने वाला है, तुम कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हो तो तुम्हें कंप्लीट नोट्स वगैरह, आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स का अपना बैच है वो लॉन्च होने वाला है फर्स्ट ग्रेड का, और उसमें तुम्हें कंप्लीट हर एक चैप्टर के असाइनमेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिविजन सीरीज सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, वो अनाउंस कर देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, टू रोड्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन विद यंग मॉडुलस y1 एंड y2 आर जॉइंड एंड टू एंड, दो रोड है उनको एंड टू एंड यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, ये सिंपल नोट्स में एज इट इज फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ये देखो, ये चीजें तभी सॉल्व होगी जब पढ़ी होगी,
अब ये मान लो यंग मॉडुलस हमने पढ़ा ही नहीं होगा, इस टॉपिक को अपने छोड़ के जाएंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? फिर तो अपने ये करके आएंगे वाई वन वाई टू वाई वन प्लस वाई टू। हाँ यदि हमने पढ़ा होगा तो अपने ये लगा के आएंगे आंसर, क्योंकि ये पूरा अपने प्रूफ करते हैं शॉर्ट नोट्स में, थ्योरी में जब अपने थ्योरी कवर करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। आया कैसे? क्योंकि लेंथ डबल होगी तो टू एल अपॉन गामा, एल अपॉन गामा वन, एल अपॉन गामा टू, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे अपने। ठीक है, टू एल अपॉन गामा, एल अपॉन गामा वन, एल अपॉन गामा टू, इसको सॉल्व करके हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तभी होगा ना जब पढ़ा होगा, यदि पढ़ा ही नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। यदि एक बार तुमने पढ़ा होगा तो फटाफट से, और रिवीजन अच्छी होगी भाई, याद करना ना पड़े बार बार, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ए सोप बबल इज सीन फ्लोटिंग इन द एयर। एक सोप बबल है हमारे पास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। सीन फ्लोटिंग इन द एयर इफ द थिकनेस ऑफ बबल वॉल इज 100 नैनोमीटर। जो ये बबल है इसकी जो थिकनेस है वो 100 नैनोमीटर है, डी कंसिडर कर लेते हैं थिकनेस को, 100 नैनोमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ बबल वॉल इज 100, दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्टेड विल बी। एक लाइट की वेवलेंथ बतानी है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट होगी, मतलब एक ब्राइट फ्रिंज होगी जो, उसके बारे में बताना है। ठीक है, और ये जो है ये थिन फिल्म का केस है, सो बबल मतलब थिन फिल्म, और थिन फिल्म के लिए पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है थिन फिल्म के लिए? थिन फिल्म के लिए टू म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा, और एन की वैल्यू अपने 0 ले लेते हैं, स्ट्रॉन्गली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की अपने बात करें तो आ जाएगा लेमडा बाय टू, टू म्यू टी कोस आर, और ये आर की वैल्यू अपने परपेंडिकुलर इन जनरल अपने लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, तो ये होता है टू म्यू टी, टू म्यू टी यहाँ पे टू म्यू सॉरी जो हमारे पास में रिफ्लेक्ट हुई है ना, कंप्लीटली इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में एंगल की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, आर की जो वैल्यू नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, आर की वैल्यू 0 होगी, तो लेमडा इंटू टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, टू इंटू फोर 1.33 इंटू थिकनेस कितनी है, थिकनेस है हमारे पास में उसकी 100 नैनोमीटर। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ, कंप्लीट सॉल्व किया हुआ मैंने, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5.32, 532 नैनोमीटर, 532 नैनोमीटर ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना कंप्लीट। ठीक है, सिंपल जस्ट फॉर्मूला यूज करना था, यू जस्ट हैव टू यूज दैट फॉर्मूला, क्योंकि ये कंडीशन ये याद रखना, ये मैक्सिमा की कंडीशन है ये कंप्लीट। ठीक है, मिनिमा की अलग कंडीशन होती है, मिनिमा की जो कंडीशन होती है एन प्लस हाफ लैम्डा नहीं होता, ये मिनिमा की कंडीशन होती है। यदि तुम्हें याद हो थिन फिल्म का केस, टू म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। उल्टा होता है इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जस्ट अपोजिट होता है। न्यूटन रिंग की कहानी थोड़ी अलग है, उसमें डिपेंड करता है कि न्यूटन रिंग जो हमारे पास में फिल्म है उसमें जो लिक्विड है वो किस टाइप का लिक्विड फिल किया गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, उन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। जूल थॉम्सन कॉफिशियंट, जूल थॉम्सन कॉफिशियंट सिंपल है, डी टी बाय डी पी विथ कॉन्सेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ कॉन्सेंट रहती है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 रहती है। जूल थॉम्सन कॉफिशियंट, इस बार ये गेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि डी टी बाई एंथैल्पी कॉन्सेंट रहती है, और ये कूलिंग और हीटिंग दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, कूलिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है एंड हीटिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है दोनों। एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, यदि गैस का टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है या गैस का टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा है, तो इन दोनों में एक में कूलिंग करेगा दूसरे में हीटिंग करेगा वो। ठीक है, गैस एक ही गैस दो बिहेवियर करती है, एक ही गैस के दो बिहेवियर होते हैं, वो डिपेंड करता है गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है या ज़्यादा है उस पर वो डिपेंड करता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में है, ये काइनेटिक थ्योरी का सिंपल क्वेश्चन है, बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। इफ़ ए सर्टेन टेम्परेचर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर आइडियल मोनोटोमिक गैस, आइडियल मोनोटोमिक गैस है, एक सिंगल अटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस के लिए जो क्या गिवन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है सी एम पी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी पी एम पी, देन द प्रोबेबिलिटी पी एट ए स्पीड सी। अब ये कह रहा है पी एम पी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस स्पीड पे है, सी एम पी स्पीड पे है, ठीक है। और ये कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी पी क्या होगी, यदि स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्स इंटू सी एम पी, एक्स टाइम बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये नेट में भी मैंने करवाया है, जैम में भी मैंने करवाया है, और इसमें कंप्लीट मैंने ये फॉर्मूले तुम्हारे 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखवाए हुए हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना है वो होगा हमारे पास में एम बाय 2 पाई के बी टी की पावर की पावर 3/2 वी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 kbt, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा ये हमारे पास में सी पी एम पी के लिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म को देखो, ये रहने दो, ये वाले टर्म वी स्क्वायर, वी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में सी एम पी का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी एम पी का होल स्क्वायर बाय 2 kbt, ठीक है, ये हमारे पास में। और एक प्रोबेबिलिटी अब हमारे पास में, अब एक प्रोबेबिलिटी है पी, वो कब है, जब स्पीड है एक्स सी एम पी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर सी एम पी का होल स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर टर्म आएगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते, ठीक है। और बाकी देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग रहा है, आइडिया लग रहा है यहीं से, देखो पूरा सॉल्व करने की कहाँ जरूरत है, यहीं से आइडिया लग रहा है, इन दोनों में से होगा, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए, क्योंकि x है, एक्स स्क्वायर टर्म आएगी और एक्सपोनेंशियल में टर्म आएगी सारी, 1 - एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, पूरी की पूरी टर्म एक्सपोनेंशियल में आएगी, तो ऑब्वियसली आंसर पता ही लग रहा है डायरेक्ट, कहाँ सॉल्व करने की पूरी जरूरत है, ठीक है। और सॉल्व करके भी तुम कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हो, इसको यहाँ पुट करना, इसमें तुम एक्स सी एम पी पुट करना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर सी एम पी स्क्वायर, और इसको यहाँ पुट करना, तो तुम्हारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एक पूरी टेबल बनवाई हुई मैंने कंप्लीट, ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, ठीक है। 15 नंबर देखो हमारे पास में, हाँ 15 नंबर है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm, एक एयर बबल है जिसकी रेडियस 1 mm है, इज फॉर्म्ड एट ए डेप्थ ऑफ 50 cm इनसाइड ए लार्ज कंटेनर, एक लार्ज कंटेनर है जिसकी डेप्थ 50 cm नीचे एक एयर बबल फॉर्म हो रहा है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज 0.05 N·m·1, डेंसिटी ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, देन द प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर बबल के अंदर कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्रेशर डिफरेंस, ये हमारे पास में एक कंटेनर है, लेट्स से दिस इज आर कंटेनर एंड ये हमारे पास में इसके अंदर सॉप बबल है, ठीक है, ये यहाँ पे ये सॉप बबल है और ये 50 सेंटीमीटर नीचे है, और हमें पता है जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसका डेल्टा पी सॉप बबल का, वो होता है 2s/r, ये प्रेशर डिफरेंस होता है, बाहर का और अंदर का जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, फॉर्मूला याद रखना, लिक्विड जो यदि ये कंटेनर के अंदर नहीं होती तो 4s/r होता, वो सारे फॉर्मूले अलग से कंप्लीट, 3 केस बनते हैं इसमें, एक तो केस बनता है वो अभी बताने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन जब अपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर में करेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, 3 केस बनते हैं, एक बनता है 2s/r, 2s/r वाले होते हैं, एक 4s/r वाला होता है, तो तीनों अलग अलग केस बनते हैं, तो यहाँ 2s/r वाला केस है, प्लस रो जी एच, ये यहाँ पे जो प्रेशर है वो रो जी एच एक्स्ट्रा प्रेशर है,
रो जी एच, ठीक है, मतलब वो प्रेशर यहाँ का जो, देखो जो ये प्रेशर डिफरेंस होता है ना, ये होता है अंदर का प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, लेकिन आउटसाइड जो प्रेशर है ना वो सिर्फ पी नॉट यहाँ का प्रेशर नहीं है, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो है ही प्लस रो जी एच है, तो ये पी नॉट प्लस रो जी एच है, तो यहाँ रो जी एच मत लिखो चाहे, ठीक है, यहाँ रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस टाइप से कर सकते हो तुम इसको, ताकि एक सही प्रोसीजर सही हो करने का, ठीक है, इस वजह से यहाँ लिख दिया मैंने इसको 2s/r, तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल टू रो जी एच 2s/r प्लस पी नॉट, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 1.013 × 10⁵ पास्कल, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ रो जी एच, ऑल वैल्यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, रो इज द डेंसिटी 1200 kg/m³, एंड द वैल्यू ऑफ जी वी हैव गिवन 10 m/s² और एच की वैल्यू हमें गिवन है 50 cm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ऑल वैल्यू वी हैव गिवन, जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, गेट द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो मैं बता देता हूँ, 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है 50 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा 1.08 × 10⁵, तो ये होगा हमारे पास थर्ड, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, 1.074 × 10⁵, ठीक है, 50 नंबर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम की स्टेट गिवन है, दिस स्टेट वी हैव गिवन, ऑर्बिटल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रिस्पेक्टिवली, इफ एल वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देन द एवरेज वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, तो वही समीशन ऑफ पी आई एल आई स्क्वायर लिख दो, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो इसको सिंपल, बाकी तुम्हारी मर्जी है और ट्राई और तरीके से करना है तुम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का पहले तो देख लो साई नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, तो नॉर्मलाइज्ड है तो इस टाइप से कर सकते हो, ना नॉर्मलाइज्ड है तो अभी इस टाइप से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साई आई साई का होल स्क्वायर अपॉन साई साई, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इस टाइप से कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर लो नॉर्मलाइज्ड है ये, तो 5/14 + 3/14 + 3/7, तो कितना आ जाएगा, 14 एलसीएम ले लो, 5 + 3 + 6, 6 × 3 = 9, 5 = 14/14, एक आंसर, तो ये नॉर्मलाइज्ड है, बाकी काम करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट कर दो अब, तो इसको मिटा दो, ठीक है, डायरेक्ट कर दो, क्या करोगे इसमें, देखो प्रोबेबिलिटी 5/14 × यहाँ 200 है, 200 है मतलब एल स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, तो एल की वैल्यू तो 0 है, तो ये 0 ही आ जाएगा, प्लस ये 3/14, माइनस वाला मत लेना, माइनस साइन मत कंसिडर करना कि यहाँ माइनस है तो तुम माइनस ही लेके चल रहे हो, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होता है वो, 3/14 × यहाँ एल की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 + 1 एच कट स्क्वायर, प्लस 3/7 × एल की वैल्यू यहाँ है 2 × 2 + 1 एच कट स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3/7 ये आ जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6, 18 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 1 सेकंड, 6 × 3 = 18/7 एच कट स्क्वायर, तो इसमें 7 एलसीएम ले लो, 7 × 18 = 21 एच कट स्क्वायर, 7/21 = 3 एच कट स्क्वायर, तो 3 एच कट स्क्वायर हमारे पास में आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, इस टाइप से इसको सॉल्व करो, ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास में द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर जो है हमारे पास में वो एक गैसियस लेजर है, ठीक है, हीलियम नियॉन ये कंप्लीट मैंने नेट में भी करवा रखा है, सभी टाइप की जो लेजर है उसके बारे में कंप्लीट बताया हुआ है, कैसे काम करती है, रूबी लेजर, एनडी याग लेजर, सॉलिड स्टेट जो सॉलिड लेजर है जिनको एक लैंप की हेल्प से एक्साइट किया जाता है, नॉन लैंप की हेल्प से एक्साइट किया जाता है,
हीलियम नियॉन लेजर एक पर्टिकुलर एक गैसियस लेजर है, इसमें जो एक्टिव मीडियम होगा गैस मीडियम होगा। इसमें बहुत सारी चीजें और भी पूछी जा सकती है, इन्होंने तो बहुत सिंपल पूछा है। इसमें हीलियम नियॉन जो गैस है उसका रेशियो कितना होता है, किस रेशियो में 1/10 के रेशियो में फिल्ड होती है, कौन सी गैस एक्साइट होती है, किस गैस के लेवल का यूज किया जाता है पॉपुलेशन एनर्जी में, वो सारी चीजें पूछी पूछी जा सकती है। बट वो तभी सॉल्व कर पाओगे यदि तुमने हीलियम नियॉन लेजर को डिटेल में पढ़ा है, मतलब उसके सारे अच्छे से नोट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो जो हीलियम नियॉन लेजर है वो गैसियस लेजर है, इसमें नियॉन लेवल होंगे, हीलियम लेवल होंगे, और एक पर्टिकुलर जो नियॉन होंगे वो हीलियम को एक्साइट करेंगे, तो स्कैटरिंग वाला होगा यहाँ पे, या कोलिजन का केस होगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो कोलिजन की वजह से होगी, स्कैटरिंग की वजह से होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल एक्साइटेशन भी नहीं है। फोनोन एक्साइटेशन, फोटोन एक्साइटेशन किस में होगा, वो होगा सॉलिड स्टेट लेजर में, जैसे एनडी याग लेजर या रूबी लेजर है, रेड लेजर है, उनमें ये फोटोन एक्साइटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक्साइटेशन होगा वो किस टाइप का होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में है दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू बैटरीज विद ईएमएफ ई1 एंड ई2। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू बैटरीज विद ई1 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टुगेदर। इनके दो बैटरीज है हमारे पास में, इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ में कनेक्ट किया गया है। ई2 इज ग्रेटर देन ई1, द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय कनेक्टिंग दी नेगेटिव टर्मिनल इफ ईच बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी इन द बैटरी ऑफ ईएमएफ। मतलब पावर हमें कैलकुलेट करनी है, केमिकल एनर्जी किस रेट से, केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब हमें पावर कैलकुलेट करनी है एक टाइप से। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें पावर, करंट कैलकुलेट कर लो, ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दो, करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ करंट निकाल लो इस सर्किट में, कितना करंट फ्लो होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस दोनों का आर आर है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में केवीए लगा दो, एक सेकंड, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे हो जाएगा ई टू माइनस E1 इज इक्वल टू I R1 प्लस R2, तो 2R लिख सकते हो इसको, दोनों रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के आर आर, 2R लिख सकते हो, तो I क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन 2R। पावर क्या होगा फर्स्ट सेल में, V इंटू I, EMF इंटू I कितना है, E2 माइनस E1 अपॉन 2R, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, D ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, E1 अपॉन 2R, E2 माइनस E1। तो इस टाइप से अपने इसको ऐसे ही तुम सेकंड का भी कैलकुलेट कर सकते हो, E2 के लिए भी यहाँ आ जाएगा E2 इंटू I, उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 20, ए रैंप वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट एज शोन इन फिगर एज पर मिली सेकेंड इज अप्लाई टू एन ओपैम डिफरेंशिएटर सर्किट, आर गिवन है, सी गिवन है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। रैंप वोल्टेज हमें गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेरी कर रही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो डिफरेंशिएटर के लिए होती है वो होती है आर सी डी वी आई अपॉन डी टी, ये हमारे पास में डिफरेंशियल सर्किट का आउटपुट वोल्टेज होती है। आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू, सी की वैल्यू कितनी है, 0.01 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज निकाल लो डी वी आई बाई डी टी, कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वोल्टेज 3 वोल्ट है हमारे पास में, 3 × 2 कर दोगे 6 आ जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे 60 आ जाएगा, और कितने से कितने टाइम के बीच में डिफरेंशिएटर सर्किट वेरी करेगा, इस टाइम पे यहाँ कॉन्सेंट है, यहाँ कॉन्सेंट है, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज 0 होगी, तो सिर्फ टी इक्वल टू 0 से लेके 1 मिली सेकेंड तक आउटपुट वोल्टेज -60 मिली वोल्ट होगी हमारे पास में। तो ये तो कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, ये कह रहा है 0 से 1 मिली सेकेंड, ये कह रहा है 0 से 1 सेकेंड, तो 0 से 1 सेकेंड तो हो ही नहीं सकता, मिली सेकेंड वाला हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा।
कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है, शॉर्ट रेंज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और इसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है जो अपने वो कंप्लीट नोट्स में भी, तुम्हें जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी कंप्लीट लिख दी जाएगी, ठीक है। जो भी सारी प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की, स्पिन स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 22, द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस ए, ठीक है। ये देखो क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी, यहाँ लिख लो सीपी, एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस ए ऑफ ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाई 28 एंड 21। सीपी है 28, सीवी है 21 फॉर ए टाइप ऑफ गैस, ठीक है, साइड में लिख लो। फॉर अनदर गैस बी ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल आर गिवन बाई 21 एंड 15, जो बी गैस है उसके लिए सी पी है 21 एंड सी वी है 15 यूनिट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए हैज़ वाइब्रेशन डिग्री, बी डू नॉट हैव, ये वाइब्रेशन है या नहीं ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट हमें पहले पता है, देखो सी पी और सी वी हमें दोनों गिवन है, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कैलकुलेट करनी है भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी इसकी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने, सी वी है 21, ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी हमारे पास में सी पी माइनस सी वी, आर निकाल लो यहाँ से, सी पी माइनस सी वी, आर कितना आ जाएगा 28 माइनस 21 तो 7 आ गया, आर की वैल्यू 7 आ गई, तो सी वी कितना होता है, सी वी होता है एफ बाय टू आर, तो आर की वैल्यू 7 है तो सी वी कितना है 21, 21 एफ बाय टू इंटू 7, तो एफ कितना आ गया 6, ठीक है, 7 3 3 इंटू 2 6, तो एफ 7 आ गया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू सॉरी 6 आ गई, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, और डायटोमिक मॉलिक्यूल की 5 होती है लेकिन यहाँ आ रही है 6, मतलब एक एक्स्ट्रा है। तो जो ए टाइप का मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशन है, बी टाइप के मॉलिक्यूल के लिए देखो आर कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लो 21 माइनस 15 6, ठीक है, और 15 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करो एफ बाई टू, आर कितना है, आर है 6, तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 6 एफ, एफ 5 आ जाएगा, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, तो ए में है वाइब्रेशन बी में नहीं, मॉलिक्यूल ए हैव वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बट बी डू नॉट हैव, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, इन सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास का रेशियो हमें गिवन है, इफेक्टिव मास ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ होल टू इलेक्ट्रॉन का रेशियो गिवन है 5:1, एंड द रेशियो ऑफ मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन का गिवन है हमें 1/2, तो हमें क्या करेंगे, रेशियो ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का रेशियो, हमें कंडक्टिविटी पता है एन ई म्यू ई, ये मोबिलिटी है हमारे पास में म्यू, कंडक्टिविटी का, और रिलैक्सेशन टाइम और मास भी चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ हमारे पास में मास गिवन है और रिलैक्सेशन टाइम, तो मास कंडक्टिविटी का कोई ऐसा और रिलेशन है जिसमें मास आता है, ये रहा, ये अपने उसमें भी पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ पुट करो, म्यू का फॉर्मूला निकल जाएगा, देखो एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ठीक है, और एन से एक एन कैंसिल, ई से एक ई कैंसिल, तो म्यू क्या आ जाएगा ई टो बाई एम, बस इसका रेशियो निकाल लो, म्यू मोबिलिटी का दोनों का रेशियो निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/10, कर लेना इसको, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, ए होल हैज ए वॉल्यूम ऑफ 1200 मीटर स्क्वायर एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर ऑफ ए ओपन विंडो,
दी रिवेब्रेशन टाइम, रिवेब्रेशन टाइम हमें निकालना है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना था, इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाना था। वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, इसका जो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास में वो है हमारे पास में 0.16 V/α। जो टाइम का फॉर्मूला है, रिवेब्रेशन टाइम का फॉर्मूला है 0.16 V/α। 0.16 V वॉल्यूम, 1200 अपॉन अल्फा 480। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 20 नीचे आ गई, 16 3 48, 3 10 से 10 और कैंसिल होगी, 3 4 12, ठीक है, तो 0.4, तो 0.4 सेकेंड इसका आंसर होगा। सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर, ये नहीं होगा, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। 27 देखो, 27, हाँ, ए बॉडी हैविंग इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन। एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, एक बॉडी है जिसका ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, हैज थ्री ऑफ इट्स पार्टिकल एट ए जीरो जीरो, तीन पार्टिकल है इसके जो इन तीनों पॉइंट पे, एक ए जीरो जीरो पे है, ये ए जीरो जीरो पॉइंट है, और एक जीरो ए जीरो पे है, और एक जीरो जीरो ए पे है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन है हमें 0.20 kg/m². द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आई जेड। देखो सबसे पहले तो ये कोई प्लेनर बॉडी नहीं है कि अपने प्लेन वाले जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो लगाएं, वो नहीं लगा सकते। और इसके बाद में बात वो प्लेनर बॉडी में ही लगती है, सिर्फ प्लेनर बॉडी के अलावा कहीं नहीं लगती। इसके अलावा बात करें सेंटर ऑफ मास इसका, यहाँ सेंटर में है, तो इन मासेस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ए बॉडी हैविंग इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन हैज थ्री ऑफ इट्स पार्टिकल, तीन पार्टिकल बोले हैं, लेकिन उनका मास क्या है वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास। क्योंकि यदि इक्वल मास होते तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है क्या वो ओरिजिन पे होता। सोच के देखो, यदि मान लो अपने इक्वल मास भी कंसिडर करें, इनका सभी का मास इक्वल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता। इनका जो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास में वो यहाँ गिवन है, यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ तभी हो सकता है जब ये मास इक्वल ना हो। मास ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा। हाँ, यदि हमारे पास में एक पार्टिकल यहाँ भी हो, एक पार्टिकल यहाँ भी हो, एक यहाँ भी हो, फिर जाके हम कह सकते हैं कि और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास तो गिवन है, बट वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मासेस, ठीक है, तो मासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ अपने प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिड्यूस्ड विद द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। कम्प्लीटली सेंटर ऑफ मास देखो ना, थोड़ा सोच के देखो, बाकी तुम भी सोचना इस क्वेश्चन पे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो एम लेट्स से अपने इक्वल मास भी कंसिडर करें, लेट्स से ये एम मास है, ये एम मास है, ये एम मास है, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो क्या होगी हमारे पास में, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स सी एम, एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम टू एक्स थ्री, लेकिन हमारे पास में तो एक ही पार्टिकल है ना, कौन सा पार्टिकल है, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टिकल है, उसके जो इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में उसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, एक ही पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है, बाकी पार्टिकल के तो वो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एम इंटू ए आ जाएगा अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, टोटल मास है हमारे पास में एम इंटू ए, और यदि हम तीनों को इक्वल कंसीडर करें, तीनों मासेस को, सभी के कोऑर्डिनेट जीरो 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 है, तो ये आ जाएगा ए बाई थ्री। ऐसे ही वाई सी एम, वाई सी एम भी हमारे पास में एम वन वाई वन, एम टू वाई टू, एम थ्री वाई थ्री, इसको एम वन मान लो,
इसके वाई कोऑर्डिनेट जीरो, इसके वाई कोऑर्डिनेट सर्वाइव करेंगे एम इंटू ए अपॉन थ्री एम टोटल मास, तो ये भी ए बाई थ्री, तो ए एक्स सी एम पे भी ए बाई थ्री, वाई सी एम पे भी ए बाई थ्री और जेड सी एम पे भी ए बाई थ्री डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर में नहीं होगा यदि तीनों इक्वल मास, यदि तीनों इक्वल नहीं है फिर यहाँ आ सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एज पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो वेलोसिटी, वो देखो यार इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिख लो, ये इंटरसेप्ट ले लो सी, वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं कॉन्स्टेंट को, ठीक है ये ले लेते हैं, और यहाँ से अपने एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी डीवी बाय डीटी, डीवी बाय डीटी क्या आएगा ए डी एक्स बाय डीटी प्लस जीरो, ये एक्सेलरेशन होगा, ए डी एक्स बाय डीटी क्या है डी एक्स बाय डीटी वेलोसिटी है हमारे पास, तो वेलोसिटी को वही लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, तो एक्स के तो प्रोपोर्शनल ही है ना एक्सेलरेशन, ठीक है हाँ एक इंटरसेप्ट मिल रहा है लेकिन इंक्रीज लीनियरली विद एक्स, इंक्रीज लीनियरली विद एक्स आएगा हमारे पास, ठीक है इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी है ना हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी की जगह वेलोसिटी की जगह ए एक्स प्लस बी लिख दिया, ए था ही हमारे पास में ऑलरेडी, ए को पुट कर दिया बस आंसर आ जाएगा। 28 देखो, 29 विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कैन नॉट एग्जिबिट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, इसमें देखना पड़ेगा जो बोजोन पार्टिकल नहीं है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो कर रहा है, बोजोन पार्टिकल में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन को दो बार ले लो वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एन प्लस टू पी कर सकते हो, एन प्लस टू पी की संख्या यदि इवन है तो वो बोजोन है, तो एन एन किस इसमें जो अपने बात करें टू पी मत करो उसको, वो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपने, हर जगह टू पी नहीं होगा वो, जैसे यहाँ ड्यूट्रॉन है टू पी करने की जगह इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कर दो ताकि कंफर्टेबल रहे कोई दिक्कत ना हो, इलेक्ट्रॉन कर दो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ड्यूट्रॉन है 1H1, ठीक है सॉरी 1H1 हमारे पास में, ड्यूट्रॉन नहीं ये हाइड्रोजन एटम है हमारे पास में, हाइड्रोजन इसमें एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ जो संख्या होगी हमारे पास में वो फर्स्ट के लिए होगी 1+1, तो ये E1 है ये बोजोन है, 4H2 तो 2+2+2+ और इलेक्ट्रॉन भी 2, 6 आ जाएंगे इसमें, इसमें देखो 11 प्लस या 23 या डायरेक्ट 23+11 कर दो ना, 23+11 क्योंकि 23 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11, 13, 34 ये भी है हमारे पास में, ये आ जाएगा 30+19 ये आ जाएगा 49, तो ये विषम संख्या है ओड नंबर है, तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा जो बोजोन पार्टिकल नहीं है फर्मियोन पार्टिकल, ठीक है इसको फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्टी ईजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एल इज मूविंग ऑन ए यूनिफॉर्म स्पीड वी, यूनिफॉर्म स्पीड वी से ये रॉड एल मूव कर रही है पैरेलल टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई एज शोन इन फिगर, द रॉड इज परपेंडिकुलर टू वायर विद इट्स एंड एट डिस्टेंस ए, इसका एक एंड यहाँ ए है एक एंड बी डिस्टेंस पे है, दी मोशनल ई एम एफ, मोशनल ई एम एफ का क्या फॉर्मूला होता है, ई एम एफ मोशनल ई एम एफ होता है बी क्रॉस बी डॉट डी एल, ये होता है हमारे पास में, बी की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लो, लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे बी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट रोड है म्यू नोट आई अपॉन टू पाई एक्स, यही होगी इन्फिनाइट रोड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो वी क्रॉस बी, बी बी है जो वो इनसाइड द प्लेन होगा, तो वी क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास में
वो 90 का ही एंगल बनेगा, तो साइन 90 हो जाएगा, तो वी बी होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और डीएल की जगह अपने इसकी विड्थ ले लो कुछ, डीएक्स जो एलिमेंट अपने ले रहे हैं इसको, ताकि आप इंटीग्रेट कर सकें इसको, डीएक्स ए टू बी लिमिट लगा दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा, हाँ ये वाला आंसर आ जाएगा था, म्यू नॉट आई, क्योंकि नीचे 2 पाई आएगा, लॉग एक्स म्यू नॉट आई वी अपॉन लॉग बी बाई, इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, 30 तो सिंपल फॉर्मूला ही है, कुछ नहीं है 30 नंबर में, सिंपल फॉर्मूला याद रखना था ये फॉर्मूला तुम्हें, ठीक है, और कोई इसमें सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉरी 31 होगा, के ईटा बाय रो आर, के ईटा बाय रो आर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ये फॉर्मूला याद रखना था तुम्हें, द क्रिटिकल वेलोसिटी वी है बिलो विच लिक्विड फ्लो रिमेन स्टेडी और स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, के रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी आर रेडियस, तो हमारे पास में ये रिलेशन है, ठीक है, याद रखना था ये, और कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद रखना था। 32 नंबर देखो, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू फर्मियोन, एक सिस्टम है टू फर्मियोन का, फर्स्ट थ्री स्टेट आर अवेलेबल फॉर ईच पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तीन स्टेट अवेलेबल है हमारे पास में, वन डायमेंशन बॉक्स है, तीन फर्स्ट थ्री स्टेट अवेलेबल है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बोथ पार्टिकल साइमेंटेनियसली इन ए माइक्रोस्टेट, मतलब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि दोनों पार्टिकल एक स्टेट में हो, और ये जो पार्टिकल है फर्मियोन तो बोला इसने, लेकिन ये कोई स्पिन मेंशन नहीं की, तो ये स्पिनलेस फर्मियोन अपने कंसीडर करेंगे, स्पिनलेस फर्मियोन, स्पिनलेस फर्मियोन का मतलब वी डोंट हैव टू डीजनरेट द पार्टिकल, अपने को एक लेवल में दो पार्टिकल नहीं फिल कर सकते, एक लेवल में एक ही पार्टिकल जाएगा, ठीक है, तो स्पिनलेस फर्मियोन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों साइमल्टेनियस एक ही लेवल में रह सकें, जीरो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि कोई पार्टिकल साइमल्टेनियसली एक लेवल में नहीं रह सकता, हाँ यदि स्पिन गिवन होती ना, स्पिन हाफ गिवन होती तब कहानी अलग होती, तब कहानी अलग होती, स्पिन हाफ गिवन होती है हमें, तो एक लेवल में डीजनरेसी जो होती है इसकी 2s+1, एक लेवल में दो पार्टिकल रह सकते थे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी दो ही पार्टिकल फिल करने हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी दो पार्टिकल इसमें आ सकते हैं, दो इसमें आ सकते हैं, दो इसमें आ सकते हैं, एक इसमें एक इसमें, एक इसमें एक इसमें, एक इसमें एक इसमें, टोटल 6 स्टेट बनती, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 1/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेट 6 है, ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन तीनों की जो मतलब एक सिंगल लेवल में रहने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। 33 देखो, 33 देखो, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके भी कर सकते हो तुम, और डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीबीएच तुम्हारी जो बुक है ना, उसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की जो बुक है उसमें से डायरेक्ट उठाया गया है, और मैंने ये नेट वाले असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन करवाया है, याद होगा जो भी नेट के स्टूडेंट है बच्चे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के असाइनमेंट में थ्योरी लेक्चर में सेम क्वेश्चन करवाया है, और अलग अलग सिस्टम के लिए करवाया, यहाँ तो एक ही पर्टिकुलर सिस्टम गिवन है ना, यहाँ क्या सिस्टम गिवन है, क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला भी गिवन है, अदरवाइज फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर दे दिया इन्होंने, इफ 6 प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस, 6 प्रोटॉन गिवन है और इस डिस्टेंस पे सिचुएटेड, ठीक है, एक यहाँ है, एक नीचे है, एक यहाँ आर डिस्टेंस पे है सभी, एक यहाँ 6 प्रोटॉन है इन इन डिस्टेंस पे, क्वाड्रोपोल मोमेंट बताना, तो ये जो शेप बनेगी ना स्फेरिकल शेप बनेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हैं सभी, उधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी एक्स वाई जेड एक्सिस पे प्लस माइनस आर है देखो, तो एक स्फेरिकल शेप निकल के आएगी, तो क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑब्वियसली 0 है, बाकी इस फॉर्मूले से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे भाई क्वाड्रोपोल मोमेंट 0 होगा, कैलकुलेट मैंने करवाया है कंप्लीट थ्योरी लेक्चर में, मैंने ये भी सारे केस करवाए हुए हैं कि इसके सेंटर से
सिर्फ एक प्रोटॉन यहाँ है, बाकी कहीं प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ यहाँ प्रोटॉन, तो उसके लिए क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा? सिर्फ दो एक्सिस पे प्रोटॉन है तो उसके लिए क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा? वो भी करवाया, इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपने कर सकते हैं। सिर्फ एक्स एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई एक्सिस पे है, या ओनली जेड एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्वाड्रुपल मोमेंट क्या हो, सारी चीज़ें करवाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना था और कुछ नहीं है। फॉरियर फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इसका ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है, ये तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म यदि पढ़ते हैं तो ये करते ही हैं, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट आपको क्या करना था, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/√2π। क्या फॉर्मूला है? एफ एस 1/√2π माइनस ए टू ए एफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, यही फॉर्मूला है ना? हाँ जी, यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जस्ट यूज करोगे, की वैल्यू पुट करोगे, साइन में टर्म आ जाएगी हमारे पास। एस की जगह इसने यू लिया है बस, और कुछ नहीं है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलास से नहीं पूछा, लैपलास से क्या पता आगे आए लैपलास का क्वेश्चन, फॉरियर का ये सिंपल है। देखो बहुत ज़्यादा लेवल पे, और यही फॉरियर ट्रांसफॉर्म का नेट में क्वेश्चन आ रहा होता तो वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, या गेट का क्वेश्चन आ रहा होता तो वो ट्रिकी क्वेश्चन आता, लेकिन यहाँ देखो क्या पूछा है इन्होंने। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, क्या तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन लगा जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो, या जिसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही हो? तो सब मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन, दो दो लाइन के याद रखने वाले क्वेश्चन हैं। तो थ्योरी अच्छे से करोगे, शॉर्ट नोट अच्छे से रिवाइज करोगे, वही चीज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट वेरीज एज, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है सर्किट में, वो इस टाइप से वेरी कर रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट टी बाय टाओ। ठीक है, फॉर सम टाइम वेयर टाओ इज ए कॉन्स्टेंट, द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सिंपल फॉर्मल, आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्क्वायर करो आई स्क्वायर, फिर उसका मीन लो, मीन लेने का मतलब डी टी, जीरो से टाओ, जीरो से टाओ डी टी मीन ले लिया, फिर उसका रूट लो, रूट ले लिया, इसको सॉल्व कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा तुम्हारा बी। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, 11th 12th लेवल का, 12th लेवल का क्वेश्चन है एसी सर्किट का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें लैम्डा गिवन है जिसकी एनर्जी ई है पार्टिकल की, हाउ मच एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी गिवन टू दिस पार्टिकल, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इस पार्टिकल को दें सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ रिड्यूसिस टू 75% ऑफ द इनिशियल वेव। एक्स्ट्रा एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, एनर्जी नहीं पूछ रहा, पॉइंट नोट करना, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी कितनी दें, मतलब जो एनर्जी आएगी और जो पहले थी उनका डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितनी दें ताकि पार्टिकल की वेवलेंथ है वो 75% रिड्यूस हो जाए इनिशियल। देखो वेवलेंथ और एनर्जी में सबसे पहले तो रिलेशन देखो क्या है, एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, तो वेवलेंथ हमें पता है एक पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये कह रहा है जो वेवलेंथ है ये तो है जब लैम्डा वेवलेंथ है, अब ये कह रहा है जब वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है 75%, 75% रह जाती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ रिड्यूसेस टू 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू की 75% रह जाती है, तब एनर्जी कितनी है, तो लैम्डा उसको अपने लैम्डा नॉट ले लेते हैं, जो रह जाती है कितनी 75 बाय 100 इंटू लैम्डा, तो कितना आ जाएगा 3/4 लैम्डा, लैम्डा नॉट, तो एनर्जी उस टाइम पे कितनी है उसको ई नॉट ले लेते हैं, ई नॉट एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा नॉट स्क्वायर, तो 9/16 लैम्डा। ठीक, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा को ई लिख देंगे,
तो ई नॉट कितना आ जाएगा, 16/9 एच स्क्वायर लैम्डा 2m, इसको ई लिख दिया। तो ये तो है जो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा नहीं है ये है कि एनर्जी कितनी देनी पड़ी, वेवलेंथ इतनी रह गई, एक्स्ट्रा कितनी हुई, इसमें से माइनस कर दो ई नॉट माइनस ई, तो 16/9 ई माइनस ई, तो ये कितना आ जाएगा, 16-9 7/9 ई, तो 7/ एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा ई 7/9, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, ये नहीं होगा मेरे से क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, अपने को टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आती, ठीक है, तो इसको टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, कोचिंग ले लेना, नोट से पढ़ लेना, किसी बुक से पढ़ लेना, डायरेक्ट एक बुक से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी उसी का ही क्वेश्चन है। 39 देखो, टू स्क्वायर वेल हैव सेम विड्थ, ये देखो ये मैंने थ्योरी में भी कवर किया है, नेट वाले में भी करवाया हुआ मैंने, और बाकी जो IIT जैम में उसमें भी करवाया हुआ, बाकी RPSC में भी सेम थ्योरी में ये सारी चीज़ें कवर्ड है, ठीक है। टू स्क्वायर वेल, ये किसी क्वेश्चन में भी करवाया है असाइनमेंट में मैंने, मेरे को याद है एकदम, और वही क्वेश्चन सेम आया हुआ है यहाँ पे, याद है मेरे को कम्प्लीट। टू स्क्वायर वेल हैव सेम विड्थ, वेल वन हैज वॉल ऑफ फाइनाइट हाइट, जो वेल वन है उसकी फाइनाइट हाइट है, ठीक है, फाइनाइट, और जो सेकंड वेल है उसकी इनफाइनाइट हाइट, इनफाइनाइट, बोथ वेल कंटेन आइडेंटिकल क्वांटम पार्टिकल वन इन ईच वेल, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राउंड स्टेट मोमेंट, ग्राउंड स्टेट मोमेंटम की बात करें तो मैग्नीट्यूड उसका किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमेशा इन्फाइनाइट के केस में जो हमारे पास में इन्फाइनाइट वेल के केस में जो मोमेंटम होगा वो मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू फाइनाइट वेल, जब अपने क्वांटम मैकेनिक्स में ही करते हैं ना, वहाँ पे मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया भी हुआ है, जो नेट का जिन्होंने भी कोर्स ले रखा होगा बच्चों ने, उनको मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में अपने ही करते हैं ना कंप्लीट, इन्फाइनाइट वेल के लिए अलग निकालते हैं, फिर फाइनाइट वेल के लिए निकालते हैं, और फिर फाइनाइट से इन्फाइनाइट जाते हैं, फाइनाइट का हमेशा इन्फाइनाइट से कम होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर फॉर वेल टू आएगा आंसर, डायरेक्ट टिक करना था ग्रेटर फॉर वेल टू, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 39 का। नेक्स्ट देखो 40, हाँ ये भी डायरेक्ट याद रखने वाला था, ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था कि तुम वहां सोल्व करने बैठो, डायरेक्ट याद रखने वाला था, और ये तो मैंने गेट क्रैश कोर्स में भी बताया है फॉर्मूला, और अपने नेट में भी करते हैं, गेट में भी करते हैं, कि मैंने कंप्लीट फॉर्मूला ही बताया हो कि ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, और इसके अलावा भी इसके साथ में और भी बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, अलग अलग फ्रेम में क्या रिलेशन होते हैं, फर्मियोन पार्टिकल बोजोन पार्टिकल के लिए डी सिग्मा बाय डी ओमेगा के अलग अलग क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई, तो ये तो याद रखने वाला था। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी U collide with a particle of mass m2 at rest, angle of scattering given है left frame, तो center of mass frame में हमें उसमें relation बताना था, काफ़ी important relation है, याद रखना था, इसका जो relation आएगा tan phi is equal to sin theta upon cos theta m1 by m2, ये relation था, याद रखने वाला था, direct कुछ नहीं करना, proof वहाँ exam में नहीं कर सकते, सिर्फ याद रखना था कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं कह दिया ना याद रखनी है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने। नेक्स्ट देखो, एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइन, एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है 5000 लाइन है, एन की वैल्यू 5000 है, लाइंस पर सेंटीमीटर is being used under the normal incident of light, normal light incident करवा रहे हैं इसके ऊपर अपने, ठीक है, the longest wavelength of light for which a spectrum can be observed, longest wavelength निकालनी है light की ताकि spectrum observe कर सकें, ठीक है, सबसे longest wavelength होगी हमारे पास में, सबसे जो हमारे पास में bright जो fringe होगी उसके लिए जो wavelength होगी सबसे longest wavelength होगी, the longest wavelength of light for which a spectrum can be observed,
ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, देखो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, ये होगा। और एन की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी मिनिमम होगी, लैम्डा उतना मैक्सिमम होगा। तो एन की वैल्यू वन लेंगे अपने, जो हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज होगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी, साइन नॉर्मल इंसिडेंट है तो इसकी वैल्यू वन कर दो। ई प्लस डी इक्वल टू लैम्डा, और ई प्लस डी क्या होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट होगा, और ये सेंटीमीटर में ही गिवन है देखो, तो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा 1/n, ठीक है, 1/n 1/5000 सेंटीमीटर में है ना, 1/5000, बस इसको सॉल्व कर लो। लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/5 × 10⁻³, ठीक है, तो 1/5 कितना होगा, 0.2 × 10⁻³, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻¹० से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10⁻⁴। ये आ रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 1/5000 2 × 10⁻⁴, ठीक है, ये आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। 42 देखो, हमारे पास में ए हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हाइड्रोजन एटम है जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया 3 × 10⁶, ठीक है, एज्यूमिंग दैट द नेगेटिव चार्ज इन द हाइड्रोजन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है 0.5 × 10⁻¹ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिस्टेंस निकालने, रेडियस गिवन है, तो रेडियस की इक्वल नहीं होगी क्योंकि उसको किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो वो पोलराइज्ड होगा, तो पोलराइज्ड होगा तो एक पोलराइजिबिलिटी, एक पोलराइजेशन होगा, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी अल्फा ई, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट होता है ये होगा हमारे पास में। अल्फा की वैल्यू क्या होती है स्फेयर के लिए, 4π ε₀ a³, ये याद रखना था तुम्हें फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने जब बीएससी लेवल का पढ़ेंगे पोलराइजिबिलिटी वाला, जब अपने डाइलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे कंप्लीट ये कवर करेंगे, 4π ε₀ a³, ठीक है, तो ये होगा डाइपोल मोमेंट q × d, 4π ε₀ a³, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, रेडियस गिवन है r, a, डी कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा मैं बता देता हूँ कौन सा नंबर है, 42 का जो आंसर आएगा आपका, तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारे पास में होगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा, यहाँ कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग वाई एक्सिस इन राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज आर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड ऊपर की तरफ है, ठीक है, दिस इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन है क्या वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगी, द एनर्जी रेडिएट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट होगी, राइट ऑप्शन बताना है, रेडिएशन विल बी मोस्ट इंटेंस इन वाई डायरेक्शन, तो ये देखो ये याद रखने वाली चीज ही थी, और इसका कंप्लीट प्रूफ भी अपने करते हैं रेडिएशन पार्ट में, नेट में भी ये टॉपिक है और अपने एमएससी लेवल का ये टॉपिक है रेडिएशन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएशन विल बी मोर इंटेंस, रेडिएशन विल बी मोर इंटेंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज, दो स्लिट के बीच की जो सेपरेशन है वो 0.8 mm दोनों स्लिट के बीच की 0.16 mm है, देन द मिसिंग ऑर्डर इन द रेडिएशन, मिसिंग ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n इक्वल टू e प्लस डी अपॉन ई इंटू एम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की बात करो चाहिए तो डबल स्लिट ई प्लस डी कितना है हमारे पास में,
ई हमारे पास में डी है, दोनों के बीच ई है, स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ है 0.50, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो पे कर देते हैं 0.8, कितना आ जाएगा 0.16 + 0.96, 0.16 सेम आ जाएगा। तो एम की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6। मिसिंग बॉर्डर, मिसिंग बॉर्डर वो होते हैं जहाँ पे पोस्ट मिनिमा कह देते हैं, पोस्ट मिनिमा है कि जैसे ये जो लाइन है ई साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन एन लैम्डा साइड करता है, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा साइड करता है, इन दोनों का रेशियो लेना कौन साइड हमें मिसिंग ऑर्डर मिलते हैं, जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा है इनको ये खा जाता है, ये जो मिनिमा है ना ये डिफ्रेक्शन मिनिमा ये इनको अब्जॉर्ब कर लेता है, खा जाता है, इसलिए इसको घोस्ट मिनिमा भी कहा जाता है। ठीक है, घोस्ट मिनिमा इसको अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, खा जाता है, ठीक है, इंटेंसिटी ये पहुंचने ही नहीं देता तो इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, वो डिटेल्ड अपने थ्योरी में पढ़ते हैं। 44 देखो, ऑक्सीजन गैस हैज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऑक्सीजन गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये इसका आंसर सही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का, 10⁻³ और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है 38.4 × 10⁵, आंसर आ रहा है मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास में, इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में थीटा का जो फॉर्मूला है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है ये तुम याद भी रखना है, K/3 × 4/9 γ−π, गामा है हमारे पास में गैस कॉन्स्टेंट, जो हमारे पास में हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है ना, ये है ये ऑक्सीजन गैस है, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, गामा होगा 1 + 1 π/r, ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करके निकाल लोगे तभी हीट कैपेसिटी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, ये आएगा हमारे पास में 0.32 आ रहा है, 0.32 × 10⁻¹, ये मैच नहीं कर रहा आंसर यहाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 नंबर, स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट क्या है, स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट्स 2P2S ट्रांजिशन ऑफ वेवलेंथ इन लिथियम इनटू टू लाइन, इसकी सेपरेशन कितनी है, डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा गिवन है 0.14, कोरस्पोंडिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस होता है लैम्डा गिवन है, डेल्टा लैम्डा गिवन है, लैम्डा गिवन है 6/5, तो एनर्जी क्या होती है C/λ, एनर्जी डेल्टा ही क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो −HC/λ² Δ λ, HC की वैल्यू क्या होती है, HC की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनो, ये याद रखना बोल रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनो लिख सकते हैं, ये इसको 12400 ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग, ये याद रखना है, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे Δ λ की, पॉजिटिव ले लो, मोड ले लो, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, Δ λ की वैल्यू ये रख लो 6/5, आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है तो ये 12400 लिख लो, आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख लो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद में जो तुम्हारे पास में आंसर निकल गया है, आंसर मैं बता देता हूँ 4.08 × 10⁻¹, ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच डिनोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियर, सरफेस एनर्जी हमें गिवन है यहाँ पे पर न्यूक्लियर, सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे 4πr² पे, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, और आर हमें पता है 1³ पे डिपेंड करता है, सरफेस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, 2³ पर, ठीक है, और पर न्यूक्लियन इन लिक्विड, पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन मतलब ए से डिवाइड करो, यस 2³ - 1
आ जाएगा ए की पावर माइनस वन बाय, ठीक है, इनका रेशो लेके कैलकुलेट कर लेना। ए की वैल्यू एकदम 27 है, इसमें 64 है, दोनों का रेशो, दोनों का रेशो लोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 4/3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फॉर्मूला याद, अभी इसमें देखो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्वेश्चन है, और इसमें सारे डिपेंडेंस तुम्हें याद होनी चाहिए, सरफेस एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी एंड ऑल अदर टर्म्स। 48 में भी, 48 का देखो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, 48 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। मास डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन प्लैनेट है जिसकी मास डेंसिटी स्फेरिकल सिमेट्रिक है, बट इट इज दैट मास इनसाइड एवरी स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्फेस। जो डेंसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड करती है, रेडियस के प्रोपोर्शनल है, रो प्रोपोर्शनल टू आर है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू पॉइंट मास इनसाइड द प्लैनेट, एक पॉइंट मास है इनसाइड द प्लैनेट। ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मास इज प्रोपोर्शनल टू, ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा हमारे पास में, देखो ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू होगी, डेंसिटी वेरी कर रही है, फोर्स ये होता है ना gmm अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पॉइंट मास है, इसको तो छोड़ ही दो, तो gmm अपॉन आर स्क्वायर। डेंसिटी क्या होती है, तो इसमें देखो इसमें df निकाल लो फोर्स, क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है, तो एक एक स्मॉल एलिमेंट ये हमारे पास में स्फीयर है, और इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं स्फेरिकल शेल r रेडियस का, इसके लिए कैलकुलेटर डी आर थिकनेस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका जो सरफेस एरिया 4πr² इंटू डी आर, तो डी एफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देना, डी एफ आ जाएगा जी डी एम ऑन आर स्क्वायर, ठीक है, तो डी एम कितना है रो इंटू डी एम आ जाएगा जी रो इंटू वॉल्यूम 4πr² dr, ठीक है, 4πr² dr ये आ जाएगा हमारे पास में अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट एफ निकल जाएगा। रो है, रो आर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको के आर लिख देते हैं, के सम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, जी के 4πr² से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर, ठीक है, के आर लिखेंगे तो आर आ जाएगा आर डी आर, इसका हो जाएगा r² / 2, हो जाएगा के जी 4πr² / 2, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी मास दी जो रो है वो आर के दी प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो 49, इसमें जो आंसर की में जो करेक्ट ऑप्शन दिया है ना इस क्वेश्चन में, वो 1/r² गिवन है, बट 1/r² किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, काफ़ी ट्राई कर लिया मैंने इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से इसमें r² ही ऑप्शन आना चाहिए, और कोई तरीका नहीं, यदि यदि डेंसिटी r के प्रोपोर्शनल कह रहा है, हाँ यदि हो सकता है क्वेश्चन में r के प्रोपोर्शनल ना हो डेंसिटी कुछ और गिवन, ठीक है, तरीका यही है सॉल्व करने का। 49 फिर भी देखते हैं, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉक्स, एक फोर्स है बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है, 10 kg का एक बॉक्स है ये रहा, इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है 0.2 है, ठीक है, ये गिवन है, ये है गिवन 0.2, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज 9.8, देन व्हाट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टू ओवरकम द सेटिंग ऑफ द मोशन, ठीक है, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एम जी, तो म्यू हमें गिवन है 0.2, एम हमें गिवन है 10 × 9, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा 9.8, 10 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 1 × 10 = 1 हो जाएगा 98 × 2 ये हो जाएगा 196 डिवाइड बाई 10, तो 19.6 न्यूटन आ जाएगा, तो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।
हाँ ये देखो मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखने वाला। मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ एनसेंबल कंसिस्टिंग ऑफ एन सब सिस्टम, एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एवरेज एनर्जी होती है माइनस डी बाय डी बीटा लॉग, ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये तो डायरेक्ट याद ही रखना है। ठीक है, अब आया कैसे ये कंप्लीट, इसका पूरा स्टैटिकल मैकेनिज्म कंप्लीट करवा रखा है और मैंने बताया भी था कि ये याद रखना, और डेल्टा ई भी तुमने याद रखना है, ई स्क्वायर का एवरेज माइनस ई एवरेज का, ये भी तुमने याद रखना था। इसका भी फॉर्मूला है माइनस डी बाई डी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई डी बीटा एवरेज एनर्जी ऑफ ई। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद रखना, प्रैक्टिकल मैकेनिक्स कंप्लीट करो। फिर हमारे 50 क्वेश्चन है, फर्स्ट 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसकी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। 1 to 50 हमने कर लिए, एक क्वेश्चन अभी डाउटफुल है, दैट इज 48। ठीक है, उसमें मेरे हिसाब से तो 8 स्कोर आना चाहिए, फिर भी एक बार और अच्छे से ट्राई करेंगे, बाकी तुम भी देखना। 1 to 50 हमने ट्राई कर लिए, जो 50 to 100 होंगे उसकी एक अलग वीडियो होगी पार्ट सेकेंड, और 100 to 150 होंगी, और सारे इसी टाइप के क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, सब इसी टाइप के। तो देखो मेन यहाँ से कंफ्यूजन यही निकलता है, पेपर को अभी रिसेंट पेपर ही है तो उसको देख के यही कंफ्यूजन निकलता है कि सबसे पहले तो टॉपिक सारे कवर करने, कुछ भी छोड़ना नहीं, एटलीस्ट क्वेश्चन ना करो तो फॉर्मूले तो याद करें, उसके बाद में रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, और नोट्स जितने ज़्यादा फॉलो करोगे वो अच्छा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बुक नोट्स फॉलो करो, अच्छे नोट्स, अच्छे नोट्स वो नोट्स जिनमें हर चीज़ कवर हो। ठीक है, वो नोट्स कुछ छोड़ना नहीं है, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, हाई लेवल के क्वेश्चन को गेटली खोल के मत बैठ जाना या क्रिकेट खोल के मत बैठ जाना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चंस का जो लेवल है लो लेवल है, लो लेवल मतलब या फॉर्मूला कोई है या सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा लो है तो हाँ, तुम्हारी जो बीएससी की जो राजस्थान में चलती है CBSE में, इनको फॉलो कर सकते हो, NCERT 11th 12th इनको फॉलो कर सकते हो, इनके फॉर्मूले इनके पीछे जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं वो फॉलो कर सकते हो। MSc के लिए अच्छे नोट्स हो, बाकी इसके लिए कोर्स बना ही रहे कम्प्लीट। ठीक है, हर एक 11th 12th BSc MSc कम्प्लीट सिलेबस होगा, नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें, कम्प्लीट असाइनमेंट होंगे हर एक चैप्टर को, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप के इसमें पूछे गए, कम्प्लीट इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, तुम्हारा कोर्स आ जाएगा लगभग कुछ एक दो दिन में, और एक दो दिन का टाइम लेके लॉन्च कर देंगे कम्प्लीट कोर्स को RPSC PGT फिजिक्स के लिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड, बहुत जल्दी सिलेबस में कवर कर देंगे, और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स होंगे, रिवीजन होगी, असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन होंगे, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जितने भी असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन होंगे, हर एक चैप्टर के असाइनमेंट मिलेंगे, टोटल तुम्हारे पास में जितने भी मान लो 28 तुम्हारे, देखो सिलेबस में क्या है मैं बता देता हूँ, सिलेबस में तुम्हारे एक सेकेंड हाँ सिलेबस की बात करें, देखो तुम्हारे सिलेबस में 28 चैप्टर तो तुम्हारे 11th 12th में है। ठीक है, 11th 12th में 28 के बाद में 9 यूनिट तुम्हारी BSc में है, और इनमें एक यूनिट में एक 9 जो बुक्स है, 11th 12th में तुम्हारे 28 चैप्टर है, इसमें अलग अलग टॉपिक मेंशन है, 28 असाइनमेंट तुम्हारे इसके होंगे टोटल, और BSc की बात करें 9 बुक है, हर एक बुक में 5 यूनिट है, तो 45 यूनिट यहाँ होगी, 45 चैप्टर मान के चलो, तो 45 असाइनमेंट ये होंगे, और 7 तुम्हारे यूनिट है MSc के, वो इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा पोर्शन है। ठीक है, और उसमें से लगभग 20-25 क्वेश्चन, वैसे तो 10 ही मेंशन किए हैं उन्होंने, पर ज़्यादा पूछते हैं वो, तो 20 क्वेश्चन तक लगभग पूछते हैं। ठीक है, तो 7 असाइनमेंट इसके होंगे। ठीक है, तो 7, 45, 52 और 28, 28, 52, 60, 80 असाइनमेंट, 80 असाइनमेंट होंगे, और हर एक असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन होगा,
क्वेश्चंस होंगे, पीडीएफ मिलेगी तुम्हें, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चैप्टर के वीडियो नोट्स, वीडियो लेक्चर मिलेंगे तुम्हें, जितने भी चैप्टर अवेलेबल है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं। हाँ बट ये कर लोगे ना इतना सिलेबस, तो कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे KVS, NVS, DSSS, किसी भी टाइप का पीजीटी का एग्ज़ाम हो, वो रुकेगा नहीं तुम्हारा। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चंस का, तुम्हारा सिलेबस तो इसमें कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल तुम्हें नेट गेट तक ले जाना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तुम्हें लेवल और नहीं रखना। एग्जाम देखो, एग्जाम की तैयारी एग्जाम के हिसाब से ही होती है, एक राइट डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ती है, हमें फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, तो जो सही डायरेक्शन में तैयारी कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इजी है कोई सिलेक्शन लेना इसमें, वो टफ नहीं है आरपीएस में। तुम्हें लग रहा है भाई सीट्स कम है, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बीएड है हमारे पास में, अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन ले सकते हो आराम से इसमें, ठीक है? और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो ये कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पूछ सकते हो, 9560182735 पे व्हाट्सअप कर दो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फिजिक्स थर्ड का, ठीक है? ये ज्वाइन कर लो, बाकी ऐप वगैरह वेबसाइट वगैरह से जो कोर्स लॉन्च कर देंगे कुछ दिन में, ऐप या वेबसाइट से तुम बाय कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।